यहाँ पे मैंने पहले फोटो खिंचवा रखी है एक बार। जैकेट नहीं है, मुँह है, मुँह है। तो सन ऑफ सरदार यहाँ का फोन टूट गया था, इन्होंने पीछे से ट्रांसपेरेंट ही करवा दिया। सैमसंग नहीं दिखना चाहिए व्लॉग में, दिखना चाहिए आईफोन। तो आईफोन ये वाली बॉल से विराट कोहली ने खेला है, यहाँ पे तो हमको एक बॉल मिल गई है। ये हमारे साथ एक हमारा दोस्त आ चुका है और अभी हम लोग आए हैं इंद्रुनाग। तो हाँ, यहाँ पे देखो ये भैया के फ्रेंड है और इनकी फैमिली है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, मंदिर जाएंगे अभी एंड फिर देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे मैंने पहले फोटो खिंचवा रखी है एक बार, ये देखो ये रही वो फोटो। जब मैं यहाँ पे आया था तब यहाँ पे बारिश हो रही थी, सब कुछ बंद था, दुकानें। और ये देखो वीडियो कॉल पे लगा हुआ है, जरा वो मेरे सब्सक्राइबर का कॉल आया हुआ है, जस्सी वाईटी का कॉल। जस्सी भाई का कॉल है, सब्सक्राइबर का कह रहा है, जस्सी भाई का फोन आया हुआ है। चलो दिखाते हैं आपको मंदिर। व्यू देखो कैसा लग रहा है भाई यहाँ पे आके। भाई मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है। लग रही है क्या? हाँ। क्यों? जैकेट नहीं है, मुँह है, मुँह है। तो ये इसके नीचे कुछ नहीं पहना हुआ, तो पहन के आना चाहिए था। पैराग्लाइडिंग करनी है और ये कह रहा है कि सेफ होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सेफ तो होता है, बट वो तेरे से पहले एग्रीमेंट में साइन करवा लेंगे, क्योंकि कुछ भी हुआ तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ही होता है भाई। भाई मेरे घर वालों को 10 करोड़ रुपए देते हैं। अच्छा अच्छा, अभी मिल रहे हैं भाई तेरे को 10 करोड़। जब पहले आया था एक बार तब मैंने यहाँ का व्लॉग नहीं बनाया था। वो देखो वो रही पैराग्लाइडिंग, यहाँ से ही उड़ाते हैं जंप पूरी। वो देखो वो देखो वो देख, इसके साथ उड़ेगा शायद ये। नहीं नहीं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है अभी, ये भी करेगा हमारा दोस्त। पहला ग्लाइडिंग कह रहा हूँ, पैराग्लाइडिंग। वो दोस्त वो रे, दो दोस्त ये रे, और बाकी के पीछे दोस्त नहीं है, बाकी के बाकी फैमिली है। ये देखो शाहरुख खान, ये सन ऑफ सरदार। ये देखो भाई, ये मंदिर का गेट है, इंद्रुनाग टेम्पल। मैं पहले भी आ रखे हैं लेकिन हमने यहाँ पे व्लॉग बनाया था और डाला नहीं था किसी रीजन की वजह से। अब दोबारा व्लॉग बना रहे हैं, आपको दिखा। यहाँ का फोन टूट गया था, इन्होंने पीछे से ट्रांसपेरेंट ही करवा दिया। उल्टा क्यों दिखा रहा था फोन? रुको, ये देखो भाई सीधा दिखा दिया। अच्छा व्यू देखो, देखो ये रहा स्टेडियम जहाँ पे वर्ल्ड कप भी हुआ था इस साल। अभी भाई आपको एक और बहुत ज्यादा तगड़ी चीज दिखाते हैं हम, जिसमें हवन होता है। हवन कुंड दिखाता हूँ आपको, उसके बारे में बताऊँगा। भाई देखो ये जो हवन कुंड है, यहाँ पे हवन होता है जब भी वहाँ पे नीचे धर्मशाला में मैच होता है ना, तो यहाँ पे हवन होता है इंद्रदेव जी का, कि बारिश ना हो, इसलिए क्योंकि फिर नहीं तो मैच कैंसिल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लॉस वगैरह होता है, तो इसलिए हवन करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बजने वाले हैं। नहीं कितने हो गए? 4:15 हो गए। मैं बताता हूँ, रुकता टाइम बता रहा हूँ, इसमें दिखा दे तो इस पे गलत टाइम है क्या? नहीं नहीं, 3:28
3:28 हो रहे हैं और भाई ने पहले निकाला सैमसंग कि सैमसंग नहीं दिखना चाहिए व्लॉग में, दिखना चाहिए आईफोन, तो आईफोन से टाइम दिखा रहा है ये, पूरा शो ऑफ करता है। और अभी हम लोग आ गए, कहाँ आ गए, क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला, वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पे और अभी तक उसके बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है। ये देखो यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो उसका ये लगा हुआ है गेट 2, यहाँ से स्टेडियम की एंट्री है। चलो यहाँ पे स्टेडियम हो रहा, बहुत तगड़ा स्टेडियम है, बहुत ज़्यादा मस्त व्यू है अंदर से, मैंने तो देखा हुआ है पर दिखा रहे हैं आपको दोबारा से। गर्ल्स हॉस्टल देखो भाई, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है ना, तो मेरे को यूँ कर रहा है ऐसे ऐसे इशारे कर। चले भाई तू गर्ल है क्या, तू गर्ल हॉस्टल में जाना चाहता है क्या भाई? अभी से ही पहाड़ दिखने चालू हो गए, बादल देख वही तो, इसको तो बहुत ही मजा आ रहा है, दिल्ली वालों को मजा ही आता है। अच्छा लाइन लगी हुई है साइड, हट देखो बीच बीच में आ जाएगा, देखो यहाँ पे देखो लाइन लगी हुई है। फ्लिप क्यों नहीं करता तू ऐसे ही यार, भाई फ्रंट कैमरा से बना। भाई टिकट ले ली, अंदर आ गए हैं, टिकट वगैरह प्राइस वगैरह था 30 rupees पर पर्सन और 5 बजे तक ही है ना सिर्फ एंट्री, 9 से 5 बजे तक, सुबह 9 से 5 बजे तक, 5 जो कि बजने वाले हैं। और वो यहाँ पे फोटो खींचेंगे, देखो इसको क्या मिला, दिखाइयो दिखा, एक मिनट इधर दिखा, ले ओ भाई बॉल मिली, वाइट क्रिकेट बॉल जो होती है। अरे वाह, बंदा एक बॉल मांगने आया था और ये भाग के ही आ गया बॉल लेके, उसको बॉल ही नहीं दिया, आगे चल रहा है। फिर स्टेडियम कितना मस्त लग रहा है भाई, पिछली बार इतना मैंने बोला नहीं था कुछ, बाकी तो इस बार देखो ज्यादा छोटा सा स्टेडियम है भाई, जब कोई फील्ड करता होगा तो ये खड़ा हुआ है और सब कुछ एकदम सामने सामने दिखता है, तो छोटा ही स्टेडियम है काफी, जब बंदे खेलते हैं तो एकदम मुंह के आगे दिखते होंगे। ये तो बैठ गए यहाँ पे, कर कर कर, देखो भाई एक नौटंकी देखो इसके, बॉल मिलने की खुशी को पकड़ लिया भाई फोटो खिंचवाने के लिए दूसरी फैमिली वालों ने। गुरमेर अच्छे से खींच, हमको असली चीज तो ये मिली है भाई, बॉल भाई, बॉल मिलेगी बहुत सही हो गई। अब क्रिकेट भाई, क्रिकेट स्टेडियम है एक नंबर भाई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और जब से, तो बॉल जब से आपको बॉल मिली है तब से और खुशी हो रही है। वो बंदा पता नहीं हमको ढूंढता ढूंढता कहाँ चला गया, हम तो भाग के सीधा अंदर आ गए, पता नहीं किसकी बॉल थी, अभी अभी आई थी, हमने उठा ली। ये अगर ये फोटो सेशन का लगाओ तो फिर और वीडियो आ भाई। ओ ये विराट कोहली ने खेला गाइस, दिखा रहे हो, रुक जा, ये वाली बॉल से विराट कोहली ने खेला है यहाँ पे, तो हमको ये बॉल मिल गई है, अभी लगाऊंगा व्लॉग की स्टार्टिंग में। यही वो जगह है जहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था 2023। एक क्रिकेटर ने इस स्टेडियम के बारे में ऐसा बोला था अपने इंटरव्यू में कि यहाँ पे आके भाई फील्डिंग ही नहीं हो पाती है, या पहाड़ देखे या बॉल पे फोकस करे, करे क्या हम। ये देखो यहाँ से व्यू चेक करके, एक बार पहले भी लिया है अंकल जी आपको मैंने, ऐसी बॉल उछालते चलते, बॉल मिलने की खुशी। ये बॉल जो है विराट कोहली की बॉल है, विराट कोहली खेला हुआ इस बॉल से और इसने को मेरी जैकेट चुरा ली भाई। यहाँ पे देखो व्यू चेक करो।